नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मेक्सिको में विनाशकारी भूकंप, 226 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल, दर्जनों इमारतें धराशाही, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने बढ़ाया मदद के लिए हाथ। मुंबई फिर पानी हुई, भारी बारिश से रेल सेवाएं बाधित, 50 से ज्यादा फ्लाइट रद्द, स्कूल कॉलेज बंद, डब्बे वाले छुट्टी पर। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, एक जवान शहीद। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, पेरिस जलवायु समझौते से कहीं ज्यादा काम करने को तैयार है भारत। बीएसएफ ने पंजाब से लगी सीमा पर दो घुसपैठिए मार गिराए, हथियार और नशीला पदार्थ भी बरामद। चालू वित्त वर्ष में 54 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी, खजाने में आएंगे 1,50,000 करोड़। वंशवाद पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर अमित शाह का हमला, कहा वंशवाद भारत नहीं कांग्रेस की खासियत है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की कथित दत्तक पुत्री हनीप्रीत के खिलाफ देशद्रोह की धारा भी जोड़ी। झारखंड में विधायकों के वेतन में 10,000 की बढ़ोतरी। बीसीसीआई ने पद्म भूषण के लिए भेजा एमएफ धोनी का नाम, यह सम्मान पाने वाले 11वें क्रिकेटर होंगे माही। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।